क्लास ट्वेल्थ हमारा आपका साझेदारी में ही है, लेसन फर्स्ट का आरएन का ब्याज हमारा टॉपिक है आज का। आरएन का आशय होता है जब कोई साझेदार अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा फर्म से निकालता है तो उसे हम आरएन कहते हैं। इस पर संलेख में ब्याज अगर दिया हुआ है तो हम ब्याज ज्ञात करते हैं। ब्याज निकालने की कई विधियां हैं, परंतु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन लगाते समय, अगर संलेख में आरएन पर ब्याज निकालने के लिए कोई न दिया हो तो आरएन पर ब्याज नहीं निकाला जाता है। अब हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आरएन पर ब्याज निकालिए, तो उसके लिए कई शर्तें होती हैं। जो पहली शर्त होती है, जब निश्चित राशि हो, यानी एक राशि हो पूरे वर्ष यानी 12 मंथ्स, महीने के प्रारंभ में निकालता है। प्रारंभ का मतलब होता है कि पहली तारीख को या 2 तारीख को निकालता है और 5% की दर से। मान लीजिए सपोज ये क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने उदाहरण में दिया है कि राम ने 2000 रुपए प्रतिमा के प्रारंभ में निकालता है, जिस पर 5% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। आरएन पर ब्याज निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा आरएन की कुल राशि। आरएन की कुल राशि निकालने के लिए 2000 × 12 = 24000। समय निकालने के लिए 12 + 1/2, यानी अगर प्रारंभ में निकाला गया है तो 12 + 1/2 किया जाएगा, यानी 13/2 = 6.5। अब हम देखते हैं 24000 × 100 × 5 × 6.5/12, इससे 12 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 20 × 5 × 6.5 = 650, यानी 650 रुपए। ये दूसरा हमारा है, यदि रवि ने 2000 रुपए प्रतिमाह के अंत में 5% वार्षिक ब्याज की दर से निकालता है। अब इसमें देखिए अंत में, अंत का मतलब होता है 30 तारीख या 31 तारीख को निकालता है, तो कुल राशि इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2000 = 24000। टाइम यानी समय 12 - 1 हो जाएगा इसमें, तो 11/2 यानी 5.5 हमारा ये टाइम आया है। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये आरएन का ब्याज जो है 24000, ये टोटल ड्राइंग्स है, इंटू रेट इंटू टाइम 5.5/12 × 100, यहाँ हम कैंसिल करेंगे 2 जीरो, 12 से 20 × 5 × 5.5 = 550। अब हमारा तीसरी शर्त है, यदि रमेश प्रत्येक माह के मध्य में, मध्य मतलब 15 या 16 तारीख को 2000 रुपए 5% की दर से निकालता है, इसमें भी कुल राशि पहले निकालेंगे, कुल राशि 24000 ही है, टाइम 12 + 0/2 लगेगा फार्मूला, यानी 6 मंथ्स। अब हमारा इंटरेस्ट आएगा 24000 × 5 × 6/12 × 100, यहाँ पे हम क्रॉस कर लेंगे, तो 20 × 5 × 6 = 600। अब हमारा नेक्स्ट है, सूत्र है, यदि सुरेश प्रत्येक त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब हर महीने की 3 महीने बाद, यानी टोटल हो गए 4 टाइम्स पैसा निकालता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे वर्ष में 3000 रुपए निकालता है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकालता है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो टोटल हमारा 3000 × 12 और
टाइम के लिए 12 + 3/2 यानी 15/2 इज इक्वल टू 7.5। टोटल ड्राइंग्स हमारा है 3000 मल्टीप्लाइड बाई 12 = 24 यानी 12000 इंटू 5 इंटू 7.5 ये टाइम है अपॉन 12 इंटू 100 डिवाइड करेंगे हम तो 0 12 से इक्वल टू आ जाएगा 375। आगे और भी बहुत फार्मूले होंगे, आप लोग अवश्य जो है काम किया करें और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे अवश्य कंसल्ट करें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।